So today the question is same tree. Given two binary trees, write a function to check if they are same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value. तो हमें बताना है कि दो ट्रीज दे रखी हैं एंड हमें बताना है कि क्या वो दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हैं क्या. तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो ट्रीज हैं दो, उसमें रूट नोड की वैल्यू 1 है, इसमें भी रूट नोड की वैल्यू 1 है, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 2 है, राइट चाइल्ड की वैल्यू 3 है, तो इसलिए ट्रू आया. अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें रूट की वैल्यू दोनों में सेम है, बट इस वाली ट्री में लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, इस वाली ट्री में लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए इस पॉइंट पे हमारा फॉल्स आ गया. अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया, रूट नोड की वैल्यू दोनों ट्रीज में सेम है, लेफ्ट चाइल्ड क्या है उसका मैग्नीट्यूड 1 है राइट वाली ट्री में एंड इसमें 2 है, तो इस पॉइंट पे क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है जबकि एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसलिए फॉल्स आ गया. एंड अगर हम राइट में भी देखें तो राइट में वैल्यूज डिफरेंट है राइट चाइल्ड की, इसीलिए हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया. तो बेसिकली हम इनमें क्या देख सकते हैं, दो तीन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. मतलब एक तो डेटा सेम होना चाहिए, डेटा सेम होना चाहिए, डेटा मीन की जो नोड पे जो वैल्यू है वो दोनों में इक्वल होनी चाहिए. एंड ये भी देखना है कि अगर एक ट्री का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरी ट्री में भी लेफ्ट वाला चाइल्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड अगर पहली ट्री में राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरी वाली ट्री में भी एग्जिस्ट करना चाहिए. और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दूसरी ट्री में भी दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हमारा वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे. एंड जो वैल्यू इसमें होगी वो इसमें होनी चाहिए, जो वैल्यू इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, जो वैल्यू इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, तभी हमारे ये दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे, है ना. तो इसके लिए कोड लिखते हैं हम. तो हमें बेसिकली दोनों के रूट नोड का पॉइंटर दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे अगर पी एग्जिस्ट करता है, इफ पी नॉट इक्वल टू नल, बट मतलब सो इस केस में अगर ऐसा होगा कि अगर हमारा पी नॉट नल है बट क्यू हमारा नल है, या फिर और पी हमारा नल है एंड क्यू हमारा नल नहीं है, तो इस ये केस क्या मैं डिस्कस कर रही हूँ. पहला केस मैंने बोला कि जो पी है मतलब पी नॉट इक्वल टू नल, मतलब पी में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट क्यू जो है हमारा नल है, मतलब कि जैसे ये अपना लेफ्ट में कॉल करेगा, जैसे ये रूट नोड समझ लेते हैं आर वन और आर टू, तो इसने अपने लेफ्ट पे कॉल किया, इसने भी अपने लेफ्ट पे कॉल किया, तो पी पॉइंट कर रहा होगा इधर, क्यू पॉइंट कर रहा होगा इधर, सही है. सपोज ये नल होता और ये सपोज इसमें कुछ वैल्यू होती, तो हमने ये केस डिस्कस किया कि पी नॉट इक्वल टू नल बट क्यू साइमल्टेनियसली नल है, मतलब इसका राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में भी फॉल्स हो जाता क्योंकि हमने बोला अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट करना चाहिए. और एक दूसरा केस है, इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट इसका एग्जिस्ट कर रहा है चाइल्ड, है ना, तो उस केस में भी फॉल्स हो जाएगा. तो मैंने स्टेटमेंट में वही लिखा है, तो अगर ये है इन दोनों से में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, कि मतलब ये ट्री सेम नहीं है. फिर अब क्या हमें रिटर्न करना है कि अगर दोनों नल है तो वो कंडीशन ऊपर लिखी जाएगी, इफ पी इक्वल टू नल एंड क्यू इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न ट्रू, मतलब कि सपोज हमने रूट से लेफ्ट में भेजा, इसके भी लेफ्ट में भेजा, दोनों ही नल है, तो इस केस में क्या होगा कि इसका भी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका भी नहीं कर रहा, तो इस केस में ट्रू रिटर्न करा जाएगा, ठीक है. तो इस केस में मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया, और अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो रिटर्न फॉल्स कर दिया. और फिर अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को डेटा कंपेयर करना है,
तो मैं करूंगी पी का वैल इक्वल टू क्यू का वैल होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, अब मैं ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूंगी पी के लेफ्ट में और क्यू के लेफ्ट में, मतलब कि अपनी ट्री है 1 1, सही है, तो ये दोनों का डेटा तो सेम है। अब मैं क्या करूंगी, इसके लेफ्ट में कॉल कर दिया 5 पे और इसके लेफ्ट में कॉल कर दिया 5 पे, सही है, ये लेफ्ट में कॉल कर दिए, तो जब वो ऊपर आएंगे तो वो पूछेंगे क्या मैं नल हूँ, वो बोलेगा नहीं, क्या पी नल नॉट इक्वल टू नल है और क्यू नल है क्या, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा क्या दोनों की वैल्यू सेम है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट में कॉल करेगा। अब हमें यही एग्जैक्टली सेम राइट में कॉल करना है, तो इस सेम पी का राइट और पी का क्यू का भी राइट, तो ऐसे ही हमने हर नोड का लेफ्ट एंड राइट ट्रैवर्स करके देख लिया अगर वो नल नहीं है, और वो दोनों सेम होने चाहिए, तो इससे हमारी ट्री सेम है कि नहीं वो पता चल जाएगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं, सो ये अपना आंसर सही आ रहा है। टेस्ट केस अपडेट हमेशा करके देखना चाहिए, तो मैंने वैल्यू अपडेट करके कुछ और डाल दिए, फॉल्स आना चाहिए इस केस में, तो बिल्कुल सही आ रहा है। सो ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। बाय बाय।